नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका दत्ता और आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। नई शिक्षा नीति के खिलाफ कांग्रेस ने रोडवेज के नेहरू तिराहे पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। नई शिक्षा नीति की प्रतियों को जलाकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संविधान की धारा 21 ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। नई शिक्षा नीति इस अधिकार का हनन कर रही है। इस नीति से सरकार शिक्षा पर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ते हुए शिक्षा के बाजारीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा को फ्री करना चाहिए, जिससे गरीबों के बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ सके। लेकिन सरकार शिक्षा को इतना महंगी कर रही है कि न तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा न आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। नीति का विरोध कर रहे हैं, क्या तरह की मांग है? हम लोगों की मांग ये है, कम से कम मोदी जी जब सरकार में कहा गया ये सब फ्री मतलब होगा, फ्री होना चाहिए। और आए दिन देख रहे हैं रोजगार पे जो है केंद्र सरकार के तरफ से जो है घात हो रहा है। और शिक्षा को तो फ्री करना चाहिए, लेकिन शिक्षा को इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि छोटे रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं उनके बच्चे ना कभी जीवन में पढ़ पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। और इनकी ये सोच हमेशा ये है कि इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, और गुलामी तभी आएगी जब अधिक्षा होगी। अधिक्षा ये बिल्कुल लाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते देश का युवा आगे बढ़े, शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो उनसे सवाल पूछेगा, उनसे हर बात पे वो मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बेवकूफ़ और चूतिया जो बना रहे हैं ये अशिक्षित लोगों को जो है बना ले रहे हैं। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान का जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये नीति लागू हो गई और इतनी महंगी अगर शिक्षा दी जाएगी तो देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी और देश बहुत पीछे जाएगा। तो हम चाहते हैं शिक्षा नीति जो है केंद्र और प्रदेश का जो है उसको वापस दिया जाए और इसको पुनः जो पिछली नीति थी जो कम पैसे में पढ़ाइयाँ होती थी, चाहे केंद्र में है, चाहे वो आपके जानिया में हो, चाहे वो आपके जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो, वही नीतियाँ रहे।